हेलो फ्रेंड, ये है मेरा मैकबुक एयर और आज मैं इसमें अपने मैकबुक के अंदर में विंडोज इंस्टॉल करूंगा। मुझे आईओएस का जो सॉफ्टवेयर है मुझे नहीं चलाना है, तो मैं इसमें विंडोज इंस्टॉल करके अभी दिखाऊंगा आप लोग कि किस प्रकार से इसमें विंडोज इंस्टॉल किया जाता है। और बहुत सारे वीडियोज हैं यूट्यूब पे, बट जब मोस्टली इंग्लिश में है तो ज्यादातर लोग जो है हमारे जो इंडियन व्यूअर हैं यूजर है उनको दिक्कत होती है। तो आज मेरे तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि आपको ये जैसे अभी फिलहाल आप देख रहे हैं ये मेरा मैकबुक है, विंडो मैकओएस अभी लॉगिन हो रहा है। अभी आपको विंडोज की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं ताकि यह है मेरा मैक ओएस। ओके जी, चलिए इसको शट डाउन करते हैं। सबसे पहले शट डाउन करने के बाद मैं कोई भी एक बूटेबल पेन ड्राइव इसमें इस्तेमाल करूंगा जिसमें मेरा विंडोज का सॉफ्टवेयर हो। अभी के लिए विंडोज 11 का इंस्टॉल्ड बूटेबल फाइल है इसके अंदर, ये पेन ड्राइव बूटेबल है। इसको मैं यूएसबी स्लॉट में प्लग इन करता हूं और हमें इसके कीबोर्ड पे जो अल्ट और ऑप्शन का बटन आता है इसको दबाए रखना है। इसको दबाए रखने के साथ में हमें पावर बटन दबाना है। अभी ऑन हो रही है सिस्टम, ऑन होते ही हार्ड डिस्क दिखाएगा। अभी देखिए आपके पास यहाँ दो टूल्स दिख रहे हैं, एक मैक का हार्ड डिस्क है और जो एसएसडी में लगी है और एक यूएफआई बूट है। तो अभी हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे जो पेन ड्राइव हमने लगाया है, यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अभी बाकी की प्रोसीजर बिल्कुल ही सेम होती है जो विंडो इंस्टॉल करने की होती है। तो उसको हम पूरा मैक का पूरा डेटा रिसेट करेंगे और नए तरीके से इसमें विंडोज 11 इंस्टॉल करेंगे। ओके, आईओएस फाइल लोड हो रहा है, बूट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अभी हम स्क्रीन की तरफ पूरा विजुअल कर लेते हैं कैमरे स्क्रीन कैमरे को। ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है। इस सेक्शन पे आने के बाद आप लैंग्वेज यहाँ से जो टाइम एंड करेंसी है उसको आप इंडिया पे ले जाइए बाय डिफॉल्ट, ताकि सेटिंग्स जो हैं आपके टाइम वगैरह के बाय डिफॉल्ट सही दिखाए। इंग्लिश इंडिया हमने कर दिया और जैसे नेक्स्ट प्रोसीड किया, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, कस्टम विंडो इंस्टॉल। ओके, अभी ये डिवाइस है, ये स्टोरेज है, अभी हम इसको प्रॉपर डिलीट करेंगे क्योंकि अभी ये जो पार्टीशन है ये मैकबुक एप्पल ओएस के अकॉर्डिंग किया हुआ है। हमें इसको सिलेक्ट करना है डिलीट। ओके, नेक्स्ट पार्टीशन है हमारा, इसको भी हम डिलीट करेंगे। अभी हमारे पास पूरी एसएसडी जो क्लीन हो गई 128 GB की, 113 GB यूजेबल होती है। हम यहाँ पे न्यू पार्टीशन क्रिएट करेंगे। फुल प्रोसेस आपने देख लिया क्लियर क्रिएट करने का, और अगर आपको कोई समस्या है तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ और ये प्रोसेस को फिर से दिखाता हूँ। अभी सभी पार्टीशन को हम डिलीट करेंगे, पार्टीशन को सिलेक्ट करना है, डिलीट पर क्लिक करके ओके कर देना है। जो भी पार्टीशन क्रिएट हुए हैं उन सबको डिलीट करेंगे हम अभी के लिए। ओके, अभी नया पार्टीशन बनाने के लिए जैसे ही सारे पार्टीशन डिलीट हो जाते हैं यहाँ पे
न्यू का ऑप्शन आता है, आप न्यू पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो और भी ड्राइव बना सकते हैं, लेकिन अभी 128 GB स्टोरेज है, तो इतने में बस एक ही ड्राइव बनाऊंगा। अप्लाई करेंगे, ओके। अभी ये रेडी हो गया। हमें इंस्टॉल करने से पहले जो मेन पार्टीशन है उसको हम फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट हो चुका है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी विंडोज इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है, इसमें 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो मिलते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, जब लास्ट स्टेप पे आएगा मैं वीडियो को रिज्यूम कर दूंगा। हम देख सकते हैं कि परसेंटेज बढ़ रही है, ऐसा ना लगे कि कोई शॉर्टकट था बीच में, बिल्कुल प्रोसेस सही फास्ट चलेगा। ये पूरा लाइव प्रोसेस है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। जो लोग मैक चलाने में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, आप विंडोज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके जी, 84-85% ऑलमोस्ट ये होने ही वाला है। उसके बाद थोड़ी बहुत सी प्रोसेस है इंस्टॉलिंग फीचर में, वो देख लेंगे। ऑलमोस्ट डन है, अभी रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट करते के साथ हम अपना यूएसबी ड्राइव को निकाल देंगे, क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पे खत्म हो जाती है। रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और अपना पेन ड्राइव जो मैंने लगाया था उसको हमने बाहर निकाल दिया है। ये हमारा यूएसबी ड्राइव, अभी ये पूरा विंडोज इंस्टॉलेशन हो गया है। अभी इसमें विंडोज ओपन होगी, बाकी के प्रोसेस होंगे। ओके, विंडोज 11 इंस्टॉल हो गया कंप्लीट। जो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त लगता है, बट ओके, ये प्रोसेस अभी कंप्लीट हो गई, अभी रिस्टार्ट होगा ये। ये लास्ट स्टेज में है, अभी विंडोज की सेटअप शुरू हो जाएगी और आप अपना यूजर पासवर्ड बना सकेंगे, लाइव डेस्कटॉप देख पाएंगे।
आप पुराने मैकबुक एयर में आप एक्स्ट्रा डिस्प्ले देखने के लिए थंडरबोल्ट जो एक पोर्ट आता है कन्वर्टर, आप जैसे ये डिवाइस है, ये थंडरबोल्ट है एक साइड में, थंडरबोल्ट से आपको दूसरे एंड पे आपको यूएसबी सॉरी एचडीएमआई मिलेगा। आप इसके थ्रू यहाँ पे मैकबुक में थंडरबोल्ट का पोर्ट होता है, लेट मी शो यू, ये देख सकते हैं कॉर्नर पे जो सबसे लास्ट वाला पोर्ट है ये थंडरबोल्ट का है। थंडरबोल्ट से बहुत सारे कनेक्टर मिलते हैं मार्केट में, थंडरबोल्ट से इथरनेट का मिलता है, एचडीएमआई का। मैंने बेसिकली एक्स्ट्रा डिस्प्ले यूज करने के लिए एचडीएमआई लिया हुआ है और इसकी मदद से मैं मल्टीपल डिस्प्ले यूज करता हूँ इस पे। ये मेरे बाकी के सेटअप्स हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरा दूसरा बाकी का सेटअप है और चलिए विंडोज इंस्टॉल हो गई है, उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई और फाइनली आप मैकबुक एयर में विंडोज 11 देख रहे हैं। आई होप कि आपको ये बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ से आप कंट्री रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, अभी के लिए मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडियन टाइम एंड करेंसी के अकॉर्डिंग अपना रीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया, यहाँ से यस, कीबोर्ड आप कोई भी चूज कर सकते हैं। सेकेंडरी कीबोर्ड आपको चाहिए तो आप ऐड कर दिए, जरूरत फिलहाल के लिए स्किप करते हैं और सीधे हम डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं। आप कोई भी मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट ऐड कर सकते हैं, अभी हम नहीं करना है, आई डोंट हैव इंटरनेट करके प्रोसीड कर देंगे। कंटिन्यूअस लिमिटेड सेटअप, थोड़ी बहुत समस्या में भी ड्राइवर्स की आ सकती है तो नेट की मदद से हम लोग उसको भी एक्सेस कर लेंगे। इससे रिस्टार्ट हो गया और अभी इस बार डेस्कटॉप आ जाएगा। फिर से ये नेट के लिए पूछेगा, हमें आई डोंट हैव इंटरनेट करके प्रोसीड कर जाना है, कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप एंड फाइनली अभी हमारा ये एक एग्रीमेंट है इसको एक्सेप्ट करना होता है, स्लाइड कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आपके स्क्रीन पे विंडोज 11 यूज करने के लिए तैयार है। फाइनल सेटअप है, इसको हमें नेक्स्ट करना है। तो फाइनली एक्सेप्ट और फाइनली आपके स्क्रीन पे विंडोज 11 मैकबुक एयर के अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया है। आप सेटिंग्स देख सकते हैं, कस्टमाइजेशन जाके हम डिस्प्ले पे पहले जो आइकन्स हैं हमारे, मैं उसको थोड़े बहुत बटन्स की हैबिट आपको चेंज करनी पड़ेगी, इसमें कमांड और विंडोज एस टाइप थोड़े से डिफरेंट है कीबोर्ड में। ओके कंप्यूटर पे जाके हम कंप्यूटर आइकन ऐड कर दिया हमने, राइट क्लिक करो, फिंगर राइट क्लिक, वो भी सेटिंग देखनी पड़ेगी। इसमें विंडोज बटन आपका ये कमांड वाले बटन से काम करता है, विंडोज के लिए आप कमांड बटन दबाएंगे तो विंडोज का काम करता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो कैसा लगा वीडियो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को विजिट करें। यह आपको हमारा चैनल दिख रहा है स्क्रीन पर, यह हमारा चैनल, बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट वीडियो बनाता हूँ और कंप्यूटर मेरा पैशनेट वर्क है तो ये मेरा स्पेशलिटी है कि मैं ये काम भी करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।